माँ। अच्छा माँ चलता हूँ, आशीर्वाद दे कि जो भी काम करूं उसमें कामयाबी मेरी हो। इकलौता बेटा है तू मेरा, मुझे छोड़कर जा रहा है। अरे माँ क्यों परेशान होती, जिस बेटे के सर पे माँ का हाथ हो उसे कोई मुसीबत नहीं छू सकती। एक माँ हूँ, डर लगता है कि कहीं कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। पार्वती जी आप क्यों घबरा रही हैं आप? आपको पता है ऐसे बहुत कम बहादुर बेटे होते हैं जो अपनी माँ को छोड़कर भारत माँ की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको वरुण जैसा बेटा मिला है। सलाम करती हूँ मैं आपको। आप जैसी माएँ अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटों को सीमा पर भेज देती हैं, तभी तो हमारा वतन सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। गर्व होना चाहिए आपको वरुण पे कि आज ये अपनी माँ के साथ साथ भारत माँ की सुरक्षा करने के लिए भी तैयार हो गया है। आप सब भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कीजिए और हमारे वतन की सुरक्षा कीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके शंकर पानी। ओ माय गॉड सोनाक्षी जी, I can't believe it कि आज मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ। Excellent shot, brilliant, that was great. Thank you. You know what? Huh? In fact, मैं तो क्या? मेरी पूरी family आपके वो serial है ना, कहानी पार्वती की, इतनी बड़ी fan है कि हम एक भी episode नहीं छोड़ते। Thank you so much. आपने अपने busy schedule से ये time निकाला और वो भी इतने short notice में। That's truly amazing. नहीं नहीं, not at all. हाँ, ये लीजिए। ये? आज के shoot के? एक्चुअली आर्मी या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी शूट या इवेंट हो तो मैं उसके चार्जेस नहीं लेती। यू नो वो लोग इतना करते हैं हमारे लिए, तो अगर बदले में थोड़ा सा भी कुछ करने का मौका मिले तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट। दैट्स रियली अमेजिंग। सो हो गया, मे आई गो? या या। ओके, अगर फ्यूचर में कभी भी कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। श्योर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय। बाय। थैंक यू शंकर, जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ दीदी। सुनीता, राकेश, आपका आज का हेयर और मेकअप का जो पैसा है वो मम्मी से ले लेना, याद से लेना, ओके? क्या मैडम आप भी? जब इतने अच्छे काम के पैसे आपने नहीं लिए तो हम लोग कैसे ले सकते हैं? हाँ। लेकिन आप लोग नहीं, हमें नहीं लेने हैं पैसे, चलते हैं। ठीक है, संभल के जाना और घर पहुँच के मुझे याद से मैसेज कर। जी मैडम। ठीक है, चल नमस्ते। सोनाक्षी मैंने भैया बाकी सामान अंदर रख देना। अरे लॉन्ग टाइम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, पर कितने दिन हो गए और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो मीरा रोड में सेट है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर एक पब्लिक सर्विसेज का एड शूट करना था इसीलिए आई थी। बट लुक एट यू, क्या है ये आंखों का क्या हाल हो गया है? कल सुबह 7 से 7 की शिफ्ट थी सेट पे, उसके बाद रात भर यहाँ शूट किया और अभी दोबारा 9 बजे सेट पे जाना है, तो बस घर जाऊंगी, जल्दी से रेडी होंगी और सेट पे चली जाऊंगी। ओह, तुम्हारा सुन के मैं थक गई, माय गॉड, पर हमारी लाइफ ही ऐसी है ना। चलो फिर ठीक है। हाँ। अरे लिसन लिसन, मैंने वो तुम्हारा शो कहानी पार्वती उसका मैंने एपिसोड देखा एंड आई लव्ड इट। राज कर रहा है ना, वो कॉम्पिटिशन मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ओके पार्वती, कुछ कम नहीं है, मेरे घर में बहुत सारे फैंस बैठे हुए तुम्हारे। अच्छा, अरे सुनीता तुम घर नहीं जाना, क्या हुआ? क्या हुआ? अब दोनों के साथ एक एक सेल्फी। मैलू हाँ प्लीज। अच्छा बताओ तुम्हारी फेवरेट कौन है, पार्वती की इशिमा? सोच समझ के जवाब देना। आप दोनों बेस्ट हो जी। अरे आराम से जाना, बेचारी धर्म संकट में भी। बट फॉर रियल मुझे सच में लग रहा है कि इस बार का वोट तुमको जाने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो पार्टी पक्की।
पक्का पक्का मैं रेडी हूँ एंड तुम्हारे विवेक जनाब वो तो बाय डिफॉल्ट इनवाइटेड है ही चल यार तू भी जा You must be so tired, na? और तुम भी जल्दी शूट करो ताकि जल्दी पैकअप जल्दी जाके रेडी होती हो तुम सो लेना थोड़ी देर I'll try. Bye. Bye. शंकर चले सॉरी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए मेकअप निकालना क्लीनिंग करना सब बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे चौंक क्या रहे हैं? आप ही से बात कर रही हूं मैं इतनी हैरानी कोई बात धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी बिकॉज अब हमारी ऐसी बातचीत ना चलती रहेगी तो ये है मेरी जिंदगी एक टीवी एक्ट्रेस की लाइफ और जैसा आप सोचते हैं ना वैसी बिल्कुल भी नहीं बहुत अलग है बने रहेंगे ना मेरे साथ तो जान जाएंगे एक मिनट मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया ना सॉरी सो मेरा नाम सोनाक्षी रस्तोगी है लोग मुझे पार्वती के नाम से जानते हैं 3 साल से चल रहा है हमारा शो बस इसी शो ने मुझे पहचान दी अब देखिए आपसे तो रिश्ता बन गया ना तो आपसे कैसी फॉर्मेलिटी अब मैं आपसे सोते सोते बातें करती हूँ नहीं नहीं चौंकिए मत हमारा तो ऐसा ही है हमारी गाड़ी हमारा चलता फिरता घर बन जाती है आपको पता है कितनी बार ऐसे ही सोके नींद पूरी करनी पड़ती है चलिए अभी मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्योंकि इस वक्त मेरे अलावा और कौन जगह होगा जानते हैं ना उल्लू यार रोहित गोल मिस कर दिया तूने यू नो रोहित डॉक्टर को हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए और हमारे भाई साहब ने तो गोल मिस कर दिया गाइस डॉक्टर नहीं सर्जन ओह सो सर्जन जैसे तेरी उंगलियां चलती है ना एक्यूरेटली ऑपरेशन थिएटर में वैसे ही इस फील्ड में तेरे पांव चलने चाहिए एंड यू नो व्हाट यू नीड मोर प्रैक्टिस ब्रदर व्हाट्स इट रियली तू बड़ा रोनाल्डो है बहुत बोल रहा है तू वैसे ग्रेट वे है टाइम स्पेंड करने का इसी बहाने तुम गधों से मिलना भी हो जाता है गाइस मैं क्या बोलता हूँ कितने टाइम से हम सब पार्टी पे नहीं गए इस वीकेंड पे चलते हैं ना हमारी बीवियों के साथ और ये सर्जन सिंगल एंड यू नो व्हाट यार सिंगल तो हम भी हैं लेकिन सारी लड़कियां इसे ही देखती हैं ऐसी क्या बात है रोहित तेरे अंदर वेल 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 गाइस अब मैं क्या बोलूं यार रोहित मेरी बात मान बीवी ना से एक गर्लफ्रेंड पटा ले ताकि हमारा ग्रुप तो कंप्लीट हो जाएगा क्यों गाइस अबे तुम लोग सुबह-सुबह मेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्या पड़ गए हो आई एम हैप्पी द वे आई एम या चल ड्रॉप कर मुझे अभी क्या? क्यों रोहित आज चलेगा नहीं हाजी अली जूस पीने नो ब्रो बाहर मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है जाके उसे प्रपोज करूंगा शादी करूंगा ग्रुप कंप्लीट करना है ना मुझे चलते चलते राहों पे ना जाने कब हम दोनों एक हुए सहरा तू समंदर मैं फिर भी हूँ हम कैसे मिल गए अरे क्या हुआ शंकर दीदी वो सामने गड्ढा था गड्ढा बचाने के चक्कर में बाइक से फिरते फिरते बची है
रास्ता खाली है, फिर भी ये ड्राइवर पी के चला रहा होगा, इडियट। उनको जाके देखो, ठीक है, कहीं चोट पर तो नहीं आई? रुको, मैं भी आती। नहीं नहीं दीदी, आप मुझे, मैं जाके सॉरी बोल देता हूँ, वरना आपको पहचान लेगा। अच्छा, लेकिन जल्दी जाओ। सॉरी। अचानक सामने गड्ढा आ गया साहब, गड्ढा बचाने के चक्कर में आपसे लगते लगते बची है। अबे अंदर आ जा। इजी, इट्स ओके, इजी, जेन्युइन, संभाल के चलाइए आप, एक दो इंच इधर उधर, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बी केयरफुल।